कुरुक्षेत्र के गांव ज्योतिसर का एक मामला सामने आया है जो कि महिला आयोग की चेयरपर्सन के पास एक शिकायत दी थी। उसी शिकायत पर आज कुरुक्षेत्र में महिला आयोग की सदस्य सुमन बेदी पहुंची और सुमन ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि आज मैं ज्योतिसर मामले में पहुंची हूं जो एक महिला ने शिकायत दी थी। वह बड़ी परेशान है, उसके बच्चे भी जवान हो गए हैं, उनकी शादी भी होने वाली है। उनसे यह भी बताया कि महिला और उसके पति का दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा है। कुछ तथ्य उन्होंने जुटा लिए हैं, बाकी रहते हैं। उन तथ्यों को भी जुटा के कहीं ना कहीं इन दोनों को मिलाने का काम आयोग करेगा। इसके अलावा सुमन बेदी ने कहा कि जो समाज में नशा फैल रहा है उसको भी हम जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। अगर कहीं कोई नशा बेचता है या सप्लाई करता है तो उसकी तुरंत जानकारी आयोग को दे, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हरियाणा की पुलिस भी नशा खत्म करने के लिए मुहिम चलाए हुए है। जो आयोग में हमारे पास काफ़ी टाइम से आया हुआ था, उसके लिए वैसे तो इंक्वायरी एक बार की जा चुकी थी, हियरिंग रखी गई थी दोनों पक्षों की। ज्योतिसर का ये केस है रामदेही का, जिसमें उसने अपने फैमिली डिस्प्यूट को जाहिर किया है कि जिसके कारण उसका घर का गुजारा, बच्चों का लालन पालन हो नहीं पा रहा। तो उस केस की इंक्वायरी के लिए विशेष तौर से मुझे प्रतिभा सुमन जी, जो हमारे चेयरपर्सन हैं आयोग की, हरियाणा राज्य महिला आयोग की, उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी थी कि इस केस की इंक्वायरी मैं करूं। और इस केस के लिए ही कि उसको उसका हक मिले और उसको उसका जो मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि वो अपने बच्चों को लेकर इतनी चिंतित है कि क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, शादी लायक हैं, कैसे वो उनका उनका विवाह के लिए सोचे आगे, कैसे उनके आगे कामयाबी कैसे मिले उन बच्चों को, उसके लिए वो परेशान है काफ़ी। तो उसके समाधान के लिए हम मिलजुल कर प्रयास करेंगे। यहाँ हमारे डिप्टी जितेंद्र जी भी बैठे हैं और SHO हैं बलवान सिंह जी, जो जिनके सहयोग से हम इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे, इसको सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ इंक्वायरी अभी पेंडिंग है, कुछ रिपोर्ट्स हमें और लेनी है, गवाहों के बयान वगैरह लेने हैं, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। उसके हस्बैंड का और उसका आपस का कुछ विवाद है, वो किस कारण से अभी तक क्लियर नहीं है। हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, उनको साथ लाने का प्रयास है। तो बाकी आज आप लोगों से मिलने का जो मेरा मेन मकसद था, एक ये केस और दूसरा हरियाणा सरकार द्वारा जो करंटली जो एक फैसला लिया गया है नशों को रोकने के लिए, इस पर हम विशेष तौर से बातचीत करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी लोगों तक पहुँचती है वो वाकई फ़ायदेमंद है, किफ़ायती है। मीडिया का हर तरह से हमें सहयोग रहता है, चाहे हम महिला आयोग की तरफ से, चाहे हम महिलाओं को जागरूक करने के लिए कैंप लगाएं, सेमिनार लगाएं, या किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाकर भी बच्चियों को अवेयर करते हैं उनके अधिकारों के लिए। साथ ही हम कर्तव्य भी बताते हैं कि एक बेटी के रूप में और एक बहू के रूप में उनके आगे क्या जिम्मेदारियाँ रहेंगी, उनके प्रति भी उनको जागरूक किया जाता है। साथ ही जो समस्याएं महिलाओं के जीवन सुधार उच्चतर बनाने के लिए जीवन को जो आई हैं, उन पर हमने सरकार को भी रिकमेंड किया है कि यहाँ और सुधार हो सकता है। नशों पर जो सरकार ने एक विशेष महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि हरियाणा में ही नहीं बल्कि कुछ 8 राज्यों के जो DGP थे उनके साथ CM साहब ने, माननीय मनोहर लाल जी ने डिस्कशन की कि हम मिलजुल कर साथ जो साथ लगते राज्य हैं वहाँ से भी हम नशों का जो कारोबार चल रहा है उसको रोकने का प्रयास करें। और हम इस प्रयास की सराहना भी करते हैं क्योंकि नशों के कारण ही महिलाओं का शोषण होता है, चाहे वो शराब का नशा हो। जब परिवार के सदस्य नशा करते हैं, चाहे पति की बात करें, वो प्रताड़ित करते हैं महिलाओं को। और जो दुष्कर्म जैसी घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं जो सामने आती हैं, उनके पीछे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नशा ही जो कारण पाया जाता है। हरियाणा की सरकार, हरियाणा राज्य महिला आयोग और हरियाणा का पुलिस प्रशासन मिलकर इस मुहिम में लग गए हैं कि हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए, चाहे वो नशा शराब का हो या अन्य तरह के जो नशे चल रहे हैं आजकल, जिससे युवा पीढ़ी भी गर्त में जा रही है। हमारा आप लोगों से भी ये निवेदन है कि जहाँ भी, क्योंकि सरकार एक और पहल कर रही है कि नशा मुक्ति केंद्र जो हैं उनकी संख्या 6 बढ़ाने की का फैसला पिछले साल अगस्त में लिया गया था, वो तैयार होने की स्थिति में है या वर्किंग कर रहे हैं या कहाँ तक उनकी रिपोर्ट चल रही है, हम उस बारे में भी रिपोर्ट लेंगे कि वो वाकई अब काम शुरू हो गया है वहाँ, नहीं हुआ तो हम सरकार को लिखेंगे भी कि इनको जल्द से जल्द इनको व्यवस्थित किया जाए ताकि जो युवा बच्चे हैं उनको नशा छुड़वाया भी जाए और आगे भी अवेयरनेस कैंप नशों के प्रति वो भी लगाए जाएँ।
हरियाणा पुलिस का इसमें अहम रोल रहेगा कि नशा तस्कर हैं जो, वो उनके जो कारनामे यहाँ काले धंधे जो चल रहे हैं उन पर लगाम लगाई जाए, और इस जो ये नशा रोकने का कानून है इसमें थोड़ा अमेंडमेंट की जाए, सुधार किया जाए। सख्ती से निपटने के लिए सरकार क्या कर सकती है, महिला आयोग भी इस ओर प्रयास कर रहा है कि हम भी अपने रिकमेंडेशंस भेजें सरकार को। सरकार वैसे ही गंभीर है क्योंकि हमने भी पहले कुछ जगह जिक्र किया है, जिसका हमने भी आयोग की तरफ से भेजा है, तो ये अच्छी पहल है सरकार की, इसके लिए मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।